कॉमेडी, वो जो कपिल शर्मा करता है, वो जो आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख करके हंसते हैं मुस्कुराते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं जम्मू कश्मीर में भी एक कॉमेडी चल रही है, एक कॉमेडी आर्टिकल 35A के विक्टिम्स के साथ। जी हाँ, आर्टिकल 35A के विक्टिम दलित, गोरखा, महिलाएं, वेस्ट पाक रिफ्यूजीज के साथ एक कॉमेडी चल रही है। ये सारे लोग आर्टिकल 35A की वजह से जम्मू कश्मीर में दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने आर्टिकल 35A के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दायर की है, क्योंकि इस आर्टिकल की वजह से इन लोगों को ना तो जम्मू कश्मीर में जमीन खरीदने का अधिकार है, ना ही इनके बच्चे अच्छी शिक्षा ले सकते हैं, और ना ही विधानसभा चुनाव और पंचायत चुनाव में इन्हें वोट डालने का अधिकार है। जी हाँ, वो भारत के नागरिक हैं, वो लोकसभा चुनाव में वोट भी दे सकते हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर में होने वाले विधानसभा चुनाव और पंचायती चुनाव में उन्हें वोट देने का अधिकार नहीं है। पंचायत चुनाव वो जो लोकतंत्र की सबसे अहम कड़ी है। और आइए अब आपको बताते हैं इसमें कॉमेडी क्या है। साल 2014 में इन लोगों ने आर्टिकल 35A के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। आज साल 2018 में अभी तक पिछले 4 सालों में सिर्फ उनके हिस्से आई है तो तारीख। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि जिस पंचायती चुनाव में वोट डालने का अधिकार मांगने के लिए ये लोग पिछले 4 सालों से सुप्रीम कोर्ट में कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं, उसी पंचायती चुनाव को ढाल बनाकर जम्मू कश्मीर सरकार इस सुनवाई को आगे टालना चाहती है। जम्मू कश्मीर सरकार की ये वो कॉमेडी है जिसे देखकर आपको हंसी नहीं गुस्सा आएगा, और आर्टिकल 35A के पीड़ितों को देखकर आपको जरूर दुख होगा।